मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से न्यायपालिका को लेकर दिए गए बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि कांग्रेस की लोकतंत्र और न्यायपालिका को अपमानित करने की हमेशा से पृष्ठभूमि रही है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री का यह बयान उनकी हताशा और निराशा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर स्टेटमेंट देना बौखलाहट में यह अत्यंत निंदनीय है। जुडिशरी का सम्मान करना चाहिए और ये कांग्रेस की पृष्ठभूमि रही है कि हमेशा लोकतंत्र के सभी स्तंभों को और जुडिशरी को समय समय पर इस प्रकार से अपमानित करने वाला स्टेटमेंट देते रहे हैं। देखिए, मैं सोचता हूँ कि इस प्रकार के बयान कहीं की हताशा का कारण बनता है कि आप हताशा में सबके ऊपर अविश्वास करते हैं। थोड़े दिनों बाद आप देखिए इनकी परछाई पर भी अविश्वास हो गया, क्योंकि भ्रष्टाचारियों का धरातल नहीं होता। आप जांच एजेंसियों पर भी उंगली उठाते हो, आप अपने मंत्रियों पर भी उंगली उठाते हो, उनकी फोन टैपिंग कराते हो, अपने विधायकों पर अविश्वास करते हो, उनकी फोन टैपिंग कराते हो, और कईयों को तो आप नकारा और निकम्मा भी कह देते हो। आपके पार्टी के लोगों को ऊपर विश्वास नहीं, आपके नेतृत्व पर विश्वास नहीं, जिस नेतृत्व ने आपको सब विधायकों की बैठक बुलाने के लिए कहा और आपने दूसरी जगह बाड़ेबंदी कर ली। आप अपने नेतृत्व को भी ठेंगा दिखाने का काम करते, और अब तो जुडिशरी पे कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। जब राहुल गांधी जी को क्लीन चिट मिली थी तब तो आप कह रहे थे कि जीत हो गया, आज क्या हो गया।